खान साहब बम्बई के रहने वाले हैं और थिएटर की दुनिया के बेताज बादशाह कहलाते हैं। और उनके बाद आकर इन्होंने आज हमारे बच्चों को की रहनुमाई की है, ना सिर्फ बच्चों की रहनुमाई की है बल्कि हमारे असातिज़ा की रहनुमाई की है। इस मौके से फायदा उठाते हुए हमने कोशिश की है कि हम उनसे मिलें और उनको इस बात पर राजी करें कि वो हमारे लिए कुछ वक्त निकाल सके। तो हमने हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला है, हम बड़े मशहूर है जी भाई कि आपने हमको वक्त दिया, हमारी बस में आपका इस्तेमाल है। मेरे कुछ सवाल है जो आमतौर पर ड्रामा के ताल्लुक से जो लोग नहीं कर पाए। देखिए, अगर हम एक देखें कि जो आजकल जो शो बिजनेस है, बॉलीवुड जो कहलाता है, इसका असल जो है अब्बास नसीरुद्दीन शाह हो, राज बब्बर हो, या जितने भी आर्टिस्ट है, स्मिता पाटिल हो, या दुनिया भर की जितने भी है, ये सब के सब जो ड्रामा से आए। लेकिन हैरतअंगेज बात यह है कि कभी कोई ड्रामे का जिक्र नहीं करता। सारी बात जो है उनकी सेलिब्रिटी की होती है, उनकी अदाकारी की होती है। दिलीप कुमार को यूनिवर्सिटी कहलाते हैं लोग कहते हैं, लेकिन क्या हम कभी ड्रामे को क्रेडिट देंगे? यही विडंबना है हमारी। और कमाल की बात यह है कि ये जो लोग चले गए हैं, ये कभी जिक्र भी नहीं करते और ये कभी आना भी नहीं चाहते। जो चला गया उसको लगता है कि अब वो पास्ट है मेरा, उसको नहीं देखना है मुझको। लेकिन इसके बिल्कुल मुकाबिल अगर आप ब्रिटिश एक्टर्स को देखेंगे तो ब्रिटिश एक्टर आज भी थिएटर से जुड़ा हुआ है, मराठी एक्टर आज भी थिएटर से जुड़ा हुआ है, ये बंगाली एक्टर आज भी जुड़ा हुआ है, हिंदी वाला जो है उसको इंटरेस्ट नहीं है। जबकि आज उसने जो कुछ सीखा है, चाहे वो कादर खान हो, अमजद खान हो, राजेश खन्ना हो, राजेश खन्ना ने भी थिएटर किया है, उसके बाद उस तरफ आप आ जाए बलराज सहनी ने थिएटर किया है, आप देखें तो एक लिस्ट है थिएटर करने वालों की। लेकिन इसमें चंद लोगों को छोड़कर बाकी किसी ने थिएटर का रुख नहीं किया। हाँ, जब उनको लगा कि अब दुकान हमारी नहीं चलेगी फिल्म के अंदर, तो वो टेलीविजन पे आए, और जब टेलीविजन पे भी नहीं चले तो फिर से थिएटर शुरू कर दिया। तो थिएटर को आप लास्ट ऑप्शन मत कहिए और मत कीजिए। थिएटर लास्ट ऑप्शन नहीं है, थिएटर फर्स्ट ऑप्शन है। आप फिल्म कीजिए, टीवी कीजिए, लेकिन थिएटर से जो मोहब्बत है वो आप कायम रखिए। आप ये सोचिए कि अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि इरफान खान जो थिएटर का एक्टर है, कल इरफान खान ड्रामा करेगा तो कितना वो इंप्रेस करेगा उन लोगों को जो थिएटर कर रहे हैं, जो इरफान को अपना आइडियल मानते हैं, वो भी कहेंगे कि हाँ यार इरफान थिएटर कर रहा है, हमें इरफान बिजी होकर थिएटर करेगा उसकी कदर की जाएगी, इरफान रिटायर्ड होकर थिएटर करेगा उसकी कदर नहीं की जाएगी। तो जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, जिनको कहीं काम नहीं मिलता और वो थिएटर करते हैं, तो उनकी इज्जत नहीं होती। पीक पीरियड में आप हैं, आप एकदम आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। कादर खान आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे या अमजद खान छू रहे थे, अगर वो तब थिएटर करते तो ज्यादा नाम होता, ज्यादा कदर होती, लोग उनकी इज्जत करते। लेकिन इन लोगों ने, आई एम सॉरी टू से, मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि क्वेश्चन आपका बहुत ही जलता हुआ क्वेश्चन है, इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए। ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं और लोग इस सवाल से भाग जाते हैं, जवाब देते नहीं है। लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं कि जितने भी कलाकार, जितने भी अदाकार जो थिएटर से फिल्मों में गए हैं, टेलीविजन पे गए हैं, इवन मेरे जो कुछ एक्टर्स हैं, जैसे नकुल मेहता बहुत जबरदस्त एक्टर टीवी में काम कर रहा है, नकुल को मैं कहता हूं थिएटर कर, अरे सर वक्त नहीं है। वो अली असगर थिएटर कर, जो दादिया कैरेक्टर करता है उसके यहाँ कपिल शर्मा के यहाँ, सर मेरे वक्त नहीं है, सर मैं करूंगा, सर आज नहीं कल परसों। ये वो नीतू चंद्रा फिल्मों में काम करती है, मतलब इनको थिएटर से लगता है कि नहीं अब थिएटर नहीं करना चाहिए, थिएटर स्टेपिंग स्टोन था, हम चढ़ गए, अब थिएटर नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसे तमाम लोगों से जो थिएटर से फिल्मों में गए हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि थिएटर आपकी अपनी वो जगह है, मादरे इल्मी है, जहां से आपने तालीम हासिल की है, तो मादरे इल्मी को इंसान नहीं भूलता। आपकी माँ है थिएटर, तो क्या एक बेटा अपनी माँ को भूल सकता है? तो थिएटर को आप कैसे भूल जाते हैं और कैसे भूल रहे हैं? अगर आप अब तक भूले थे तो प्लीज लौट आइए, आपकी माँ आपको बुला रही है।
तो हम जब तो पुराने तौर पे दर्जा डालते हैं तो फला थिएटर में फला फिल्म चल रही है और तीन खेल हम अक्सर देखते थे पढ़ते थे, अब तो अलग शोस लोग कहते हैं, तो खेल भी ड्रामे को कहते हैं और थिएटर भी ड्रामा होता है, तो खेल भी आपने ड्रामा से लिया और थिएटर भी आपने ड्रामा से लेकर फिल्म सेटेलाइट पर आ गए, तो इस बारे में आप ये जो गैप पैदा हुआ थिएटर और खेल जो हमारा था जो कब उधर चला गया और लोग उसको पसंद नहीं करते लेकिन इस्तेमाल बराबर करते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं आपको बता दूं कि चूंकि मेरा मकान जो है पुराना मकान वो मुंबई साउथ में है, मुंबई साउथ वो जगह है जहां पर बहुत एक जमाने में अदब का गहवारा था, वो वहां पर कैफी आजमे भी आते थे, मंटू भी थे, इसमें चुगताई भी थी, दुनिया जहां के उस जमाने की जो कहकशां थी उर्दू की वो वहीं पर थी। वहां पर प्ले हाउस एक जगह है जहां पर 6 और 7 थिएटर एक साथ हैं, रॉयल थिएटर, निषाद थिएटर, ताज थिएटर, अल्फ्रेड थिएटर, सिल्वर थिएटर, दौलत थिएटर, न्यू रोशन, ऐसे 7 थिएटर्स हैं और वो 7 थिएटर्स में उस जमाने में जब फिल्में नहीं आई थी तो ड्रामे चलते थे और 3-3 शोज होते थे और एक एक नाटक जो था वो 4-4 घंटे का होता था और एक एक नाटक में 25-25 गाने होते थे और जितने भी एक्टर होते थे वो कंपनी से एग्रीमेंट होता था उनका, वो महीनों काम कर रहे हैं, महीनों वहीं पर खाना पकता था, वहीं खाना खाते थे, वहीं पर परफॉर्मेंस होता था, वहीं सो जाते थे, इसलिए उस इलाके का नाम हो गया प्ले हाउस, ड्रामा करने के की जगह हाउस घर। फिर जब सिनेमा आया तो सिनेमा ने आकर सबसे पहले जो अटैक किया वो थिएटर पर किया और धीरे धीरे वो सारे जो सिनेमा हाउस थे वो खत्म, थिएटर के जो ड्रामा थिएटर थे वो खत्म होते होते सिनेमा हाउस बन गए और वहां पर चूंकि वो कल्चर था खेल का तो वो खेल के कल्चर कभी गया नहीं, तब भी था आज का खेल रुस्तमोज सोहराब, आज का खेल नीली आंखें, तो वो खेल गया नहीं, तो वो खेल से सिनेमा में भी आ गया, इस तरीके से ड्रामा तो चला गया लेकिन खेल आज तक। एक बात आपसे एक सवाल और उठता है कि जो नए आर्टिस्ट आते हैं तो उनको पहले ड्रामा करना चाहिए या डायरेक्ट सिर्फ? जो नए एक्टर आते हैं उनको सबसे पहले थिएटर ही करना चाहिए। मैं तो अपनी एकेडमी में स्टूडेंट से ये कहता हूं कि भाई आपको अगर लॉयर बनना था तो कैसा साल आपने लगाए, आपको इंजीनियर बनना था तो कैसा लगाया आपने, डॉक्टर बनना था कैसा लगाया आपने, आप वो तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तो आप 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल मास्टर भी कर लेते हैं और थिएटर के लिए 1 महीना और 2 महीना इसमें हो जाएगा। अरे जब आपने ABCD पढ़नी सीखी थी तो कितने महीने में सीखा था आपने, क्या आप 3 साल में ABCD बोल पाते थे, मां मार मार के माने आपको सिखाया था, तो आप एक्टिंग की ABCD 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में कैसे सीख सकते हैं। जिस तरह कमर्शियल कोर्सेस अपना अपनी अहमियत रखते हैं, अपना मुकाम रखते हैं, उसी तरह एक्टिंग भी अपना एक मुकाम रखती है, उसको आप एवे मत दीजिए। मुझे लगता है कि एक इंजीनियर के लिए नौकरी मिलना आसान है, एक डॉक्टर के लिए अपना डिस्पेंसरी खोलना आसान है, लेकिन एक एक्टर के लिए काम मिलना बहुत मुश्किल है। एक्टर 20 हजार एक्टर आज घूम रहे हैं मुंबई में, उनके पास काम नहीं है, उनके पास सर्टिफिकेट है NSD की, NSD के सर्टिफिकेट दिखाते हैं, वो दिखाते हैं भाई हम अनुपम खेर के यहां से आए हैं, हम फला के यहां से आए हैं, लेकिन सर्टिफिकेट पर काम नहीं मिलता। ये इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री है जहां सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, ये इंडस्ट्री में आपका टैलेंट मैटर करता है, आपका लक मैटर करता है। एक इंजीनियर बनने के लिए जरूरत नहीं है आपके लक की, कोई भी बन जाए कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ कमा लेगा, डॉक्टर भी कुछ ना कुछ कमा लेगा, लेकिन एक्टर नहीं कमा पाएगा जब तक कि उसके अंदर टैलेंट ना हो, जब तक कि उसका लक ना हो। तो आप थिएटर एक्टिंग को ऐसे ही मत समझिए, एक्टिंग उतनी ही मुश्किल है
जितनी जितनी मुश्किल दूसरे कोई कोर्सेस आपको करना होता है। तो एक्टिंग आप 2 महीने में सीख जाएंगे और इंजीनियर बनने के लिए आप 5 साल लगाएंगे या 7 साल लगाएंगे मास्टरी करने के लिए, नहीं, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप बुढ़िया बिस्तर लपेटिए और जहां से आए थे वहां चले जाइए। मेरे बच्चे जो मेरे पास एक्टिंग सीखने के लिए आते हैं वो ये कहते हैं सर 3 महीने में हो जाएगा क्या, मैं 3 महीने में सर ऑडिशन दे पाऊंगा क्या, सर 3 महीना बहुत है ना सर। तो मैं पूछता हूं कि क्या एबीसीडी 3 महीने में सीखी थी आपने, एबीसीडी सीखी थी? नहीं सर, वो तो क्या बच्चा था ना, बचपन था तो मां ने मार मार के सिखा दिया, अब आपको कौन सिखाएगा। और एक्टिंग करने के लिए मां बाप की परमिशन नहीं होती, मां बाप परमिशन नहीं देते। मां बाप चाहते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लॉयर बने, प्रोफेसर बने, कोई मां बाप ये नहीं चाहता उसका बच्चा एक्टर बने। बहुत कम मां बाप विलिंगली अपने बच्चे को एक्टिंग के लिए भेजते हैं, वरना मां बाप फेवर में नहीं होते। जो बच्चे मेरे पास आते हैं वो मां बाप से लड़के आते हैं, वहां से पैसा मां बाप भेजते हैं ताकि बच्चा यहां पर बॉम्बे में सर्वाइव करे। तो जब आप मां बाप को नाराज करके आए हैं तो एक्टिंग क्यों नहीं सीखते आप, ठीक है ना। और जिस दिन बच्चा कामयाब हो जाता है उस दिन वही मां बाप कहते हैं कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, फख्र से कहते हैं। और अगर नाकाम हो जाता है 10 गालियां बुला देते हैं उसको और उसकी शादी करवा देते हैं, चल शादी कर ले, तेरी माँ जो है पोता देखने के लिए बेचैन है और तेरी माँ जो है वो नवासा देखने के लिए बेचैन है। तो ये होता है। तो एक्टिंग को इतना आसान मत समझिए, एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहीं पढ़ा था किसी बहुत बड़े एक्टर ने कहा कि उसे पूछा गया कि एक्टिंग के लिए क्या जरूरी है, तो उसने कहा कि बेशक टैलेंट तो जरूरी है लेकिन उसके बाद लक 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 एंड ओनली लक। एक सवाल ये उठता है कि एक्टिंग की जहां तक बात की जाती है, मेरे पास भी हम लोग जो हमारी जो कंपनी छोटी सी है तो मेरे से दिन में 2-3 फोन ऐसे होते हैं, सर हम आपकी फिल्म में काम करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हम लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, हमारा काम फीचर फिल्म बनाना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये एक खला हम महसूस करते हैं कि हमारे समाज में, हमारे माशरे में कहीं भी कोई ऐसा इदारा नहीं है जो हम हमारे इन बच्चों को एक्टिंग सिखा सके। हमारे पास एक रवि जैसा, आप अभी डॉक्टर अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट गए थे तो आप देखेंगे कि वो ड्रामा डिपार्टमेंट जो है ग्लैमर की जगह है, जहाँ से वर्षा उजगांवकर भी गई है फिल्मों के अंदर, मगर वहाँ पर बदतरीन हालात से गुजर रहा है। वहाँ पर जो पहले बुरहानपुरकर साहब थे वो सोते रहते थे, कभी आते नहीं थे। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से जब जो इदारे चलते हैं उनका अगर हाल ये है तो ये जो नई नस्ल जो चाहती है एक्टिंग में नाम करना चाहती है ये बेचारी क्या करे। मैं नई नस्ल को ये मशवरा दूंगा कि आप अपना वक्त यहाँ वहाँ बर्बाद ना करें, आपको मुंबई में अपना फ्यूचर ढूंढना है तो मुंबई आए, कोई अच्छे थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ जाएं और मुस्तकिल नाटक करते रहें। जो पैसा आप कहीं इंस्टीट्यूट में खर्च करेंगे और इंस्टीट्यूट जो है वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं तो आप वो पैसा मुंबई लेके आए, अच्छे थिएटर ग्रुप के साथ काम करें, 3-4 साल मेहनत करें, यकीनी तौर पे 3-4 साल में कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। आपको ऑडिशन मुंबई में देना है, आपको सीरियल में काम मुंबई में करना है, आपको फिल्म में काम मुंबई में करना है तो आप यहां वहां क्यों भटक रहे हैं। अगर मेरा पैसा यहां पे गिरा है तो मैं यहीं ढूंढूंगा, वहां तो नहीं ढूंढूंगा। तो मैं ये देखूं कि मेरी रोजी रोटी यहां पर है तो मैं वहां क्या कर रहा हूं। तो मैं यहीं पर जितने भी ऑड हालात क्यों ना हो, बुरे से बुरे हालात क्यों ना हो, बद से बदतर हालात क्यों ना हो, मैं वहीं पर अपना काम ढूंढूंगा। तो जो लोग भटके हुए हैं अलग अलग शहरों में और अलग अलग इदारों में जा रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप आकर मुंबई में रेगुलर थिएटर कीजिए। उनको ये दो कौन देगा उनको अपने इंस्टीट्यूट में या अपनी? सी मुंबई में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, हम ही हैं, हम मुंबई में रेगुलर वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का हमारे वर्कशॉप में, और हम पाबंदी के साथ करते हैं और डेडिकेशन के साथ करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं। हम जैसे मैंने आज कोट किया कहीं अपना अपने वर्कशॉप में कि मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा कि मैं उस दिन रोटी नहीं खाता जिस दिन मैं कुछ नहीं लिखता, उस दिन की रोटी मुझ पर हराम है। तो मैं ये कहता हूं मैं उस दिन
रोटी नहीं खाता जिस दिन मैं अपनी अपनी रिहर्सल नहीं करता, अपनी क्लास कंडक्ट नहीं करता। मैं 365 डेज अपनी क्लास कंडक्ट करता हूं। मैं ईद, दशहरा, दिवाली, न्यू ईयर पे अपनी क्लास कंडक्ट करता हूं। मेरे यहां कोई 365 डेज मेरे यहां क्लास चलती है। मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि तुम यहां पर अपनी खुशी के लिए आए हो, तो अपनी खुशी में छुट्टी कहेगी? छुट्टी तब होती है जब आपको बर्डन लगे कि यार बर्डन है यार, नौकरी बर्डन है, 10 to 5 बर्डन है, वी वॉन्ट हॉलीडे यार। तो यार एक काम करो, शनिवार रविवार हॉलीडे। ये बर्डन नहीं है, ये तो आपका शौक है, ये तो आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट में तो आपको 24 घंटे आना चाहिए। तो कभी कभी मैं क्लासेस कंडक्ट करता हूं 12-12 घंटे। मेरा बच्चा सुबह आता है मेरी क्लास में, सुबह 10 बजे जाता है रात के 10 बजे। उसका शौक है, मेरा शौक है, मैं भी काम करता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि आप बजाय इसके कि यहां वहां भटकने के, हम जैसे इदारों से जुड़िए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपका सपना है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आप चाह रहे हैं, उसको हम पूरा करें। और पूरा करने में कम से कम आपकी रहबरी करें, आपको रास्ता दिखाएं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती है, जैसा कोई नौजवान होते हैं या लड़कियां होती हैं जो अदाकारी सीखना चाहती हैं, लेकिन वो बॉम्बे जब जाते हैं तो प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंच पाते, या अगर पहुंचे भी तो उनके फीस का मसले आते हैं। तो अगर ऐसे जो बच्चे बिल्कुल नादार हैं, जो कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मुंबई एक कमर्शियल सिटी है और बहुत महंगा शहर है। आप ये सोच कर आए कि आपको SSC तक पढ़ने के लिए तो कोई फीस दे देगा, कोई आपको यूनिफॉर्म बना देगा, कोई आपको किताबें दे देगा, लेकिन एक्टिंग सीखने के लिए आपकी कोई मदद नहीं करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि तेरी फीस मैं भर देता हूं, कोई नहीं कहेगा। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे हम कुछ लोगों को हम स्पॉन्सर करते हैं हमारी क्लास में, कि हम उनको फीस चार्ज नहीं करते। हम दूसरे काम देखते हैं उनके, कि वो हमारे क्राइटेरिया में बैठते हैं कि नहीं बैठते। ऐसे हम हर साल 1-2 बच्चों को हम एनरोल करते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते, और उस पर हम 10 पाबंदियां आयद करते हैं, ताकि वो इस बात का ख्याल रहे उसको कि भाई अगर मैंने फीस नहीं दिया है तो मुझे सारे काम करने। तो हम इस तरह की मदद कर देते हैं। लेकिन हम अगर सबकी मदद करने जाएंगे तो हम अपना थिएटर कैसे रन करेंगे? हम हर महीने में 3 से 4 शोज करते हैं। मुंबई में एक थिएटर, मामूली थिएटर भी आप अगर हायर करने जाएं तो 15,000 से कम नहीं होता। तो कैसे आप मैनेज करेंगे? तो जो खर्च, जो फीस आती है, उस फीस से सारे काम किए जाते हैं। ये मेरा इसमें कहना था कि कई कोई बॉम्बे के अंदर कोई जैसा, बॉम्बे में गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इदारा है जहाँ पर बच्चे ऐसा कर सके। देखिए, जैसे आपके यहाँ ड्रामा डिपार्टमेंट है, ऐसे मुंबई यूनिवर्सिटी में ड्रामा डिपार्टमेंट है। बस आप चाहें तो उसमें एनरोल कर लीजिए अपने आप को। ठीक, एक सवाल अब ये भी हो सकता है कि हम फिर वापस अपनी जरूरत जाते बॉलीवुड की तरफ। ये बॉलीवुड के अंदर जो सितारे हैं, तो वो कौन कौन से सितारे ड्रामा से हैं, थिएटर से हैं? अब एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इरफान खान थिएटर के हैं, शाहरुख खान थिएटर से हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थिएटर से आए हैं, और बाकी तो मेरा ख्याल है कि और कोई नजर नहीं आता। पुराने में तो सब गुजर गए, खत्म हो गए। नसीर साहब हैं जो कर रहे हैं थिएटर, नसीर साहब तो थिएटर कर रहे हैं आजकल। ओमपुरी साहब तो गुजर गए, वो थिएटर करते रहे थे। बाकी तो मतलब मुझे कोई नजर नहीं आता यहाँ पर जो थिएटर, जिन्होंने रिग्रेस थिएटर किया है। जैसे मैं कहूँ कि इरफान खान ने जबरदस्त थिएटर किया है, नसीर साहब आज भी कर रहे हैं, नवाज ने रिग्रेसली किया है, शाहरुख खान ने रिग्रेसली किया है, वैसे थिएटर करने वाले अब नजर नहीं आते। जैसे हमारे थिएटर से लोग निकलते हैं, 3 महीना कर लिया, 6 महीना कर लिया, तो मैं उनको नहीं मानता कि उन्होंने रेगुलर थिएटर किया है। थिएटर करने मतलब है कि आपने क्या 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल थिएटर को दिए हैं, वैसा कोई नहीं है। एक सवाल ये उठता है जहन में कि क्या कभी शकुंतला के दिन वापस आएंगे? हाँ, शकुंतला के दिन तो वापस आएंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता, कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, चूंकि टेक्निक बहुत एडवांस हो गई है। हाँ, शकुंतला के दिन वापस आएंगे, अगर उसको मॉडर्न टेक्निक में किया जाएगा तो डेफिनेटली आएंगे, ये कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुजीब भाई, आपने हमको बात दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।